बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नुसरत नदीम चंदास कुक हाउस से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं जो एक नई रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है डम्पलिंग, जिनको मोमोज भी कहा जाता है। ये एक चाइनीज़ डिश है, ठीक है। आज मैं उसको बनाने का आपको आसान तरीन तरीका बताऊँगी, ठीक है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें इतने स्पाइसेस भी नहीं होते, और ये बच्चों को स्कूल के लिए लंच में देने के लिए, और वैसे भी बच्चों को दे तो आप बच्चों के लिए एक हेल्दी फूड है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है 1 कप हमें मैदा चाहिए, ठीक है, और तकरीबन 1 पाव के करीब हमारे पास चिकन का कीमा है। इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर, सोया सॉस, सिरका और थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाला है इसके अंदर, और नमक डाला है, और ये सारी वाइट पेपर, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल के तो इसको हमने थोड़ा सा पका लिया। अच्छे से पका के इसको हमने एक प्लेट में रख लिया, ठीक है। इसके बाद हम अब ये जो 1 कप मैदा है इसको हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो जाएगा वो है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1/2 टीस्पून नमक है, ठीक है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और ये इसके अंदर चला गया। अब इसको हमने इतना गूंदना है कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और बहुत सख्त भी नहीं रखना, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, ये हमने तकरीबन इस तरह हमने इसका मैदा रखना है, और इसको अब हम ये जब गूंद इसको थोड़ा सा गूंदने के बाद हम इसको इसको अब हम 20 मिनट के लिए हमें इसे रखना होगा। वैसे तो इसे ज़्यादा देर के लिए रखते हैं, लेकिन हम इसको 20 मिनट तक रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि फिर हमने इसका क्या करना है। इसको हम ऊपर से ढक देंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको ना, ये देखिए, ये ऊपर से हमने इसको अच्छे से ढक दिया, ठीक है। अब आफ्टर 20 मिनट्स हम इसको बताएंगे इसका क्या करना है हमें। ओके गाइस, हमारा आटा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखें इतना अच्छा है, ये देखें ऐसे इतना नरम आटा होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये देखें आटा इज़ रेडी। अब हम आपको बताते हैं कि अब हम क्या करेंगे। हमने इतनी जगह साफ कर ली। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे प्लेट में, ठीक है, मैदा ही है ये भी, ठीक। हमने छोटा सा एक पेड़ा लिया, ये मैं आपको अपने देसी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है, ठीक है। ये देख, इस तरह आपने पेड़ा ले लिया, पेड़े को अच्छी तरह आपने राउंड शेप में ऐसे बना लेना, ठीक है। अब हम इसको ले लेंगे, हमने छोटी सी रोटी बेलनी है इसकी, ये देखिए तकरीबन ये इतनी इतनी पतली होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने बेल ली, इसके बाद हमने इसके अंदर रखा ये कीमा, ठीक है। ये देखिए कीमा इसके अंदर रखा, उसके बाद हमने रोटी को ऐसे ऐसे करके ना इसको हमने ऐसे बंद कर देना,
ये देखिए ये हमारा डम्पलिंग तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से हमने ये अपने सारे डम्पलिंग तैयार करने हैं। अगर आपको उस तरीके से नहीं बनाने आते तो आप थोड़ा सा ऐसे करें, इसको एक और इसको ऐसे बल दें, यहाँ पर इसको बंद करें, ठीक है। फिर आप इस साइड पे आ जाएं, यहाँ से आप इसको ऐसे करें, फिर इसको ऐसे करें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको लेना है और इसको लेना है, इनको आपने ऐसे करके इनको आपने ना बंद कर देना है, ठीक है। ये देखें ऐसे करके, ये आप डम्पलिंग इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे समोसा बनता है वैसे भी आप बना सकते हैं, जैसे शेप आपको चाहिए वैसे बना सकते हैं आप। इसमें वो कोई साइंस नहीं है कि ऐसे नहीं तो ऐसे बनाना है, तो ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, ठीक है। ओके गाइस, अब हमारे ये मोमोज तो बन के तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसको हमने स्टीमर में रखना है, ठीक है। तो मैं ये स्टीमर तो हमारे घर में है, लेकिन मैं ये इसलिए आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ कि जिनके घरों में स्टीमर नहीं होता तो उनके लिए मैं ये इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग अगर स्टीमर नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप एक बटर पेपर लें, उसके अंदर एक स्टैंड रखें, देगचे में पानी डालें और पानी आपके जो ये डम्पलिंग है, जो मोमोज हैं, इनसे तकरीबन 2 इंच नीचा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बीच में आप कोई भी स्टैंड रखें, कोई देगची वाला स्टैंड रख दें या कोई भी आपके घर में स्टैंड है वो रखें, और उसके ऊपर आपने बटर पेपर रखना है। बटर पेपर में आप हल्के हल्के से छुरी से सुराख कर दें छोटे छोटे से, ताकि हमारे डम्पलिंग जो है उनको स्टीम लगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम इस तरीके से अपनी डम्पलिंग रख देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे डम्पलिंग, हम इनको इस तरीके से रख देंगे, ये देखिए, ठीक है। ऐसे हमने रख दी, और जब पानी बॉयल होने लगेगा उसके बाद से लेके 15 से 20 मिनट तक हमने काउंट करना है, मतलब 20 मिनट हमने इनको रखना है। उसके बाद हम इसको आपको खोल के दिखाएंगे कि हमारी डम्पलिंग तैयार है। ये मैंने आपको ढक्कन दे दिया, अब ये इसको स्टीम मिलेगी, ठीक है। तक हमारे मोमोज तैयार हो रहे हैं, तो हम आपको इसकी चटनी बनाना सिखाते हैं। वैसे तो इसकी चटनी हम दूसरी तरह भी बना सकते हैं, मतलब जैसे हम अपनी पाकिस्तानी चटनी से बनाते हैं, टमाटर और लाल मिर्चें ले लें, उसके अंदर जो साबुत लाल मिर्च होती है वो ले लें, हरी मिर्चें लें और उसमें नमक लें, लहसुन ले लें बीच में, अच्छे से उनको मिक्स करके आप उसकी चटनी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके साथ ये वाली चटनी बनाती हूँ, इस पर मुझे मैंने 1 चम्मच मेयोनीज़ के लिए हैं और 1 चम्मच मैं ये चीज़ी सॉस ले रही हूँ, ठीक है, बल्कि 1/2 चम्मच ही लूँगी चीज़ी सॉस। ये देखें ये चीज़ी सॉस है, ये मस्टर्ड सॉस नहीं है, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और मैं 1/2 चम्मच इसके अंदर चिकन टिक्का सॉस लूँगी, ठीक है, ये बारबेक्यू सॉस है मेरा, ये थोड़ा सा मैंने डाला 1/2 चम्मच तकरीबन, 1/2 से भी कम है, ये डाल दिया हमने। और 1/2 चम्मच हमने इसमें टमाटो केचप डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, ठीक है, ये देखिए तकरीबन 1/2 चम्मच हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे। ये चटनी मोमोज के साथ बहुत मज़े की लगती है। और तकरीबन 1/2 चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, ठीक है, ये देखिए बस इतना सा। तकरीबन 1 चुटकी के करीब हमने इसमें अपनी वाइट पेपर डाली है, और 1 ही चुटकी हम इसके अंदर हमने नमक ऐड किया थोड़ा सा, बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं इसको, ये देखें क्या शक्ल आई है यार, ये देखें ये
ये हमने इसको ऑयल इसलिए लगाया था कि हमारे जो ये मोमोज है ना, ये इसके चिपके नहीं, ठीक है। ये देखें, ये हम निकाल रहे हैं इनको। मोमोज बन के रेडी हैं, ठीक है। अब हम आप इसको तोड़ के, हम इसको तोड़ के भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, गरम बहुत है। छुरी से काट लेते हैं हम, एक्चुअली बहुत गर्म है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए हमारा चिकन, ये चिकन हमने जो था ना वो, ये हमारा, सॉरी मैंने उस पहले शुरू में कहा था कि पकाया था, तो ये पकाया नहीं था, ये हमारा कच्चा चिकन था, ठीक है। इसके अंदर हमने मसाले डाले थे, इसमें हमने थोड़ा सा चाट मसाला, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ी सी धड़ा मिर्च और थोड़ा सा लहसुन पिसा हुआ, ये चीज़ें डाल के हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद फिर हमने ये इसके अंदर हमने इसको किया, ठीक है। और चटनी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये और ये हमारी चटनी रेडी है, और ये हमारे मोमोज जो हैं ये खाने के लिए रेडी हैं। आई होप कि आप मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें घर के अंदर, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, चंदा कुक हाउस से नुसरत अज़ीज़ को इजाज़त है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हमारे वीडियोस को पूरा देखा करें प्लीज़। और आपके फीडबैक की हमेशा ज़रूरत होती है, आप हमारे चैनल को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।